हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम में तो यही लिख के आना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। पहले हम समझ लेते हैं कैसे सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करती है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अभी साइंस इसलिए लिखा है क्योंकि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसे साइंस के नज़रिए से देखते हैं, बहुत सारे आर्ट्स के नज़रिए से देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखें आप तो अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर इंटीरियर कर्व, जो है वो यही बताता है कि कैसे हम स्केर्स रिसोर्सेज का यूज करते हैं। वो एक्चुअली इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हम कर्व को देख लेते हैं। ये ऐसा रहता है, ये एक्सेस बना लेते हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया कर्व हो गया। यहाँ आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में या कौन है और फिर उसको एक और जगह लिया है, जैसे हम कौन है और हम रबर ले सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ और लिया है जहाँ तक मुझे नहीं मालूम, शायद आई डोंट नो, बट जैसे कौन है तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ जो अगर ये एक लैंड है उसमें कॉर्न या रबर दोनों में से कुछ कॉर्न या कुछ रबर को हम ग्रो कर सकते हैं, या फिर कॉर्न ही को या फिर रबर को। तो लैंड तो सेम ही है बट हम कॉर्न और रबर दोनों ही एक साथ भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम यही नहीं है कि दोनों ही इक्वल, मतलब दोनों ही का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास लैंड फिक्स है और कॉर्न और रबर दोनों में से फार्मर्स दोनों इक्वल में यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेस लैंड है, इसलिए हम इसको, हमें सोसाइटी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या की ज़्यादा ज़रूरत है, कॉर्न की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर रबर की। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये साइंस ऑफ यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अभी डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है इंडिविजुअल बिहेवियर और फॉर्म डिसीजन मेकिंग। वो किसके लिए? स्कैर्स रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, किस तरह से स्कैर्स रिसोर्सेज होगा। तो इंडिविजुअल बिहेवियर और फॉर्म जो डिसीजंस लेती हैं उन पे अगर हम वर्क करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वेल, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमी एज अ होल। ये एग्जाम्स में लिखने वाला पार्ट है। वेल, आप ये भी एक और इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल एज अ होल, तब हम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल मार्केट सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। ये फोकस करता है पूरे नेशनल इकोनॉमी में। आपने वर्ड सुने होंगे GDP, GNP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इन्फ्लेशन, महंगाई, तो ये महंगाई जो है ये बढ़िया लग रहा है। तो महंगाई जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। वेल, हम माइक्रो इकोनॉमिक में मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई प्राइसेस के बारे में पढ़ते हैं माइक्रो लेवल पे, कि कितनी डिमांड एक फर्म देगी, कितनी सप्लाई,
प्राइसेस वो फिक्स करेगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिहेवियर एनालिसिस को पढ़ते हैं। नाउ अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो लियन वॉलरस और अल्फ्रेड मार्शल, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, वो हैं हमारे केन्स, जॉन मेयर्ड केन्स। अगर हम एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखें, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं फॉरेस्ट का। जो फॉरेस्ट है, अगर आप फॉरेस्ट को एज अ होल पढ़ेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन वहीं फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट की ट्रीज को अगर आप पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। जिस तरह से आप डील कर सकते हैं, इस तरह से आप अगर हम बिग पिक्चर देखें फॉरेस्ट की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वाइल अगर हम फॉरेस्ट के ट्रीज को देखें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब एक और इस चीज़ से और आप समझ सकते हैं, मैक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिग। सो सॉरी, माइक्रो जो है वो भी ग्रीक वर्ड से है ड्राइव किया गया है, जो कि मतलब होता स्मॉल। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको ये डिफरेंस में देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बॉटम अप अप्रोच को यूज करता है, मतलब नीचे से ऊपर तक जाता है। हम छोटे इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करते हैं, वाइल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। वाइल अगर हम देखें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। विदाउट माइक्रो माइक्रो नहीं है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब दोनों का साथ में यूज करके ही हम कंक्लूजन ड्रॉ आउट करते हैं। ओप्स, ये रहा। एक और है थर्ड एरियाज जो अब काफी डेवलप हो गया है, वो है इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं और न्यू मॉडल्स को जनरेट करते हैं। न्यू मॉडल्स भी कह सकते हैं, न्यू रिसर्च, न्यू फाइंडिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक इट्स इनफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।